Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from Testbook.com. Hello everyone, welcome to Testbook.com. I am Aditya Ashtekar along with me, Sachin Sir is here. तो वेलकम टू यू ऑल टू टेस्ट बुक बैंकिंग चैनल सभी लोगों का टेक्स बुक बैंकिंग चैनल में स्वागत है आज थोड़ा इंतजार करना पड़ा आप लोगों को बट इतना कह सकता हूँ कि आज के इंतजार के बाद इंतजार इंतजार नहीं लगेगा क्योंकि हम वही सेशन लेके आए जिसका आपको बखूबी इंतजार रहता है जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको कहना चाहूंगा सेशन तक journey, okay? और अब आज टाइम कम वेस्ट करेंगे सचिन सर को मैं बोलने का बहुत कम समय दूंगा और डायरेक्टली उनसे <laughs> जो है उनका एग्जामिनेशन शुरू कर देंगे जी सचिन सर लीजिए आदित्य सर चलिए ठीक है बस एक बार यहाँ पर कुछ लोग नए जुड़े हैं हमारे साथ तो उनको एक बार बता देना कि ये क्या सेशन है जी जी सो so, जो लोग नए जुड़े उनको बता दू ये सेशन है कुछ नहीं बस ये है कि एग्जामिनेशन ये हमने एक ट्राई किया और हमें लगा कि इससे स्टूडेंट्स को बहुत फायदा हो रहा है इस सेशन में सचिन सर और मैं दैट इज रीजनिंग और इंग्लिश दोनों के दोनों के लिए रीजनिंग का पेपर रीजनिंग के क्वेश्चन मैं चूज करके लाता हूँ और इंग्लिश के क्वेश्चन सर चूज करके लाते हैं आर बी आई ऑफिस अटेंडेंट के अकॉर्डिंग ओके okay? और फिर उन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बिकॉज वी आर ऑल्सो अनअवेयर की क्या क्वेश्चन है क्या नहीं तो मज़ा क्या आता है कि उन क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो इट इज लाइक अ फीलिंग जैसे एग्जामिनेशन में आप जाते हैं और एग्जामिनेशन में बिल्कुल सरप्राइज एलिमेंट आपको दिखता है क्या क्वेश्चन आएंगे पता नहीं बिल्कुल वो फीलिंग है और कैसे उन क्वेश्चन को करना है ये नहीं हमने कहा है कि क्वेश्चन सारे सही या सारे करेंगे नहीं या नहीं करेंगे वो बात की बात है पॉइंट इज is... कि सारे जितने भी क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कैसे करनी है अप्रोच क्या है कौन से क्वेश्चन स्किप किए जा सकते हैं वो सब चीज़ों की स्ट्रैटेजी भी आपको पता चलती है बिल्कुल लाइव तो पंद्रह अगले पंद्रह मिनट होने वाले काफ़ी रोमांचक क्योंकि सर सॉल्व करने वाले हैं अपने तीस क्वेश्चन जो मैं उनके लिए सेट करके लाया हूँ ठीक है हो सकता है क्वेश्चन कठिन हो क्योंकि मैं जब चूज कर रहा हूँ तो मुझे उतना रीजनिंग का नॉलेज शायद नहीं होगा जितना सर को ज़्यादा बेहतर तरह से होगा ठीक है तो वो बता देंगे आपको क्या है क्या नहीं मैं माइक सर को हैंड ओवर कर रहा हूँ और क्वेश्चन पर डायरेक्ट ले जा रहा हूँ आपको सो हेयर इट इज कमॉन सर ओके okay, तो चलिए क्या सब लोग आदित्य सर के चैलेंज के लिए रेडी है ठीक है सभी लोग आदित्य सर के चैलेंज के लिए रेडी हो तो फटाफट फड़ बता दीजिए चलो हाँ तो so कितने बजे स्टार्ट करेंगे सर कर ही देते हैं सर पांच नौ हो गया वैसे पांच दस पर स्टार्ट है, करते हैं शुरू करते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा चलो तब तक सब लोग अपना डेली रिचुअल्स पूरा कर लो सेशन को लाइक करके अपने अटेंडेंस मार्क कर दो फटाफट सेशन को शेयर कर दो ठीक है और यहाँ पर मैंने कल ही कहा था ये कोई टाइम पास सेशंस नहीं है ठीक है तो यहां से आपको अपनी स्ट्रेटेजी फिगर आउट करनी आई गेस दस हो चुके हैं चलिए पांच दस हो गया है पहला सवाल सचिन सर के लिए आपके स्क्रीन पर ये रहा अरे बाप रे पहला ही पजल है चलो सर आज पजल स्किप करते पहले सॉल्व नहीं करते नेक्स्ट नेक्स्ट अच्छा इन इक्वालिटी अरे रे ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा इंस्ट्रक्शंस यहां पर क्या बोला जा रहा है कि आंसर अकॉर्डिंगली अमंग द गिवन कंडीशंस ट्रू ट्रू आंसर हमें यहां से ढूंढना है ठीक है ये पेन किधर है इधर है ठीक है चलो ट्रू आंसर हमें यहां से ढूंढना है बी और एन के बीच में रिलेशन चाहिए था बी और एन के बीच में अपोजिट फैमिली गलत हो गया पी और ए के बीच में इक्वल टू आ नहीं सकता ए और टी के बीच में रिलेशन चाहिए था टी इज ग्रेटर देन है ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट ओके तो सेवेंथ क्वेश्चन टी और आर के बीच में रिलेशन चाहिए दोनों स्टेटमेंट में कॉमन क्या है दोनों स्टेटमेंट में कॉमन एस है तो टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रिलेशन चाहिए पहुंच नहीं सकते ओनली वन इज ट्रू कि इसका सही आंसर है जी और जे के बीच में रिलेशन चाहिए था जी और जे दोनों में कॉमन एच है जी इज ग्रेटर इक्वल टू एच एच इज ग्रेटर

डी और एफ के बीच में रिलेशन चाहिए था तो डी सेक्वल टू ई की जगह डी रख दिया तो एफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी आएगा गलत हो जाएगा बी और सी के बीच में इक्वल टू का चांस है ही नहीं ना इधर ना इधर ना इधर ऑप्शन नंबर थ्री अरे बाप रे और एक पजल चलो ठीक है इसको भी बाद में देखता है ठीक okay, है नेक्स्ट ओके सिलोजिज्म फ्यू बैग्स आर वॉलेट्स ठीक है बैग्स का कुछ हिस्सा क्या होना चाहिए वॉलेट्स होना चाहिए ठीक है ऑल वॉलेट्स आर ब्राउन सारे वॉलेट्स जो है वो ब्राउन होने चाहिए नो बैग इज येलो नो बैग इज येलो ठीक है पहला कंक्लूजन एटलीस्ट फ्यू ब्राउन आर येलो सम ब्राउन आर येलो ब्राउन यहां पर है येलो यहां पर है गलत है एटलीस्ट फ्यू वॉलेट्स आर डेफिनेटली नॉट येलो सम वॉलेट्स आर नॉट येलो ठीक है वॉलेट्स का ये जो हिस्सा बैग्स के अंदर है वो येलो के अंदर कभी नहीं आएगा दूसरा कंक्लूजन सही है ओनली सेकंड फॉलोज नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लर ओके okay, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड स्क्रीन क्लियर नहीं है एक सेकंड, टाइम टाइमर जरा पॉज कर दीजिएगा सर और सब लोग अपना जरा रिजोल्यूशन चेक कर लीजिए और जरा कमेंट करके बता दीजिए कि ये ब्लर वाला इशू कितने लोगों को आ रहा है लेट मी चेक इन माय डिवाइस मेरे डिवाइस में मैं जरा चेक कर लेता हूं ये ब्लर होने वाला इशू कितने लोगों को आ रहा है जरा बताना मेरे फोन में तो सही दिख रहा है ब्लर किसको दिख रहा है मेरे फोन में तो यहां पर सही दिख रहा है ये ब्लर किसको दिख रहा है रेजोल्यूशन mm. एक resolution एक बार चेक करिए सब लोग क्लियर है चलो सब लोग कह रहे क्लियर है, है ठीक है हाँ ये डराव मत ऐसे क्या कर रहे हो अपना रेजोल्यूशन चेक करो ना है ना यहाँ पर हम अच्छे स्पीड से चल रहे थे थोड़ा सा स्पीड ब्रेक हो गया पीछे आते सर ये वाला क्वेश्चन था सम सम uh, चलो है, हाँ, चलो ठीक ठीक है है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन चलिए पे चलते हैं सम मैंगोज आर ट्रीज ठीक है नो लॉन्ग इज शॉर्ट ठीक है नो लॉन्ग इज शॉर्ट लॉन्ग यहाँ पर शॉर्ट यहाँ पर गलत हो गया लॉन्ग यहाँ पर शॉर्ट यहां पर गलत हो गया सम नो आईदर और बिना डायग्राम के एक ट्रिक मैंने बताई है नेक्स्ट बाद में मैं, मैं बताऊंगा क्या थी वो ठीक है ऑल रूरल नहीं यहां पे डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी रूरल्स आर विलेजेस सारे रूरल्स जो है वो विलेजेस है ठीक है नो विलेज इज टाउन नो विलेज इज टाउन ठीक है एंड ऑल टाउन आर सिटी और सारे टाउन क्या होने चाहिए सिटी होने चाहिए ऑल रूरल बिंग सिटी इज अ पॉसिबिलिटी सारे रूरल सिटी के इस हिस्से के अंदर जा सकते हैं सम विलेजेस आर सिटी विलेजेस का कुछ हिस्सा सिटी नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन ओनली वन क्वेश्चन आंसर मार्क करना रह गया रह गया ओनली वन फॉलोज नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है

एंड सम कॉरपोरेट आर नॉट शट होना चाहिए ठीक है सम ओपन इज कॉर्पोरेट समीक है ऑल शर्ट कैन बी कॉरपोरेट सारे शर्ट सारे शर्ट कॉर्पोरेट हो सकते हैं क्या हो सकते नहीं हाँ सारे शर्ट कॉरपोरेट हो सकते हैं शर्ट का कॉरपोरेट के इस हिस्से के साथ कुछ रिलेशन पता नहीं है सही है सम कॉरपोरेट आर नॉट शट समपोरेट ट यस कॉर्पोरेट का यह हिस्सा शर्ट कभी नहीं हो सकता ये बात भी सही है ठीक है ऑप्शन uh, अच्छा सारे मैंगोज क्या है इंडियन है ठीक है एंड सम अल्फानसोज आर मैंगो ठीक है अल्फांसोज का कुछ हिस्सा मैंगो होना चाहिए था साम मैंगोज आर तोतापुरीज सारे मैंगोज जो है वो तोतापुरी होने चाहिए थे पहला स्टेटमेंट हम आर तोतापुरी तो तोतापुरी कुछ भी रिलेशन नहीं है गलत सम इंडियंस इंडियंस आर सम आर इंडियनो बात बिल्कुल सही है इंडिया का ये हिस्सा हमेशा रहेगा सम मैंगोज आर इंडियन सम मैंगोज आर इंडियन ये भी बात सही है टू एंड थ्री टू एंड थ्री ऑप्शन नंबर सेकेंड नेक्स्ट ओनली फ्यू इमेज आर डिजाइन ओनली फ्यू इमेज आर डिजाइन सम इमेज आर डिजाइन सम इमेज आर नॉट डिजाइन ठीक है नो डिजाइन इज कलर नो डिजाइन इज कलर ऑल इमेजेस आर डिजाइन डेफिनेट डायग्राम में गलत सम इमेजेस बिंग कलर इमेज कलर जा सकता हाँ हाँ जा सकता है ओनली सेकंड ओनली सेकेंड ओनली सेकंड किधर है किधर 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 हाँ मिल गया सॉरी ये गलत ऑप्शन चूज किया ओनली सेकंड ऑप्शन सेकेंड ठीक स्टेटमेंट ओनली फ्यू इमेज आर डिजाइन नो डिजाइन इज कलर ऑल इमेज आर डिजाइन सम इमेज बिंग कलर इज अ पॉसिबिलिटी रिपीटेड क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है ऑल रेन आर ट्रेन सारे रेन क्या होने चाहिए ट्रेन होने चाहिए ठीक है ओनली फ्यू ट्रेन समझ आर ब्रेन होना चाहिए एंड सम आर नॉट ब्रेन 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 होना चाहिए नो 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 रेन 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 इज 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 नहीं गलत होगा क्योंकि सम की पॉसिबिलिटी सही हो सकती है सम ब्रेन आर रेन सम ब्रेन आर रेन ये भी गलत होगा आईदर और रेन ब्रेन रेन ब्रेन सम नो आईदर और ऑप्शन नंबर फाइव नो चेयर इज टेबल चेयर का एक भी हिस्सा टेबल नहीं होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर नो चेयर इस टेबल समेबल टेबल्स का कुछ हिस्सा लैडर एंड ऑल लैडर्स आर ट्रीज पहला कंक्लूजन सम आर लैडर्स चेयर्स का हिस्सा लैडर के अंदर नहीं है सम सम टेबल्स टेबल्स आर आर ट्रीज ट्रीज एक सेकेंड ये टेबल टी टेबल का था वह ऊपर वाला चलो ठीक है एंड ये टी ट्रीज टी, टी, का है चलो ठीक है सम टेबल्स आर ट्रीज यस सम टेबल्स आर ट्रीज यहाँ पर ये बिल्कुल सही होना चाहिए था ठीक है दूसरा कंक्लूजन सही था ओनली 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 सेकेंड फॉलोज ऑप्शन नंबर तीन ठीक है ऑल शर्ट्स आर पैंट्स सारे शर्ट्स क्या होने चाहिए सारे शर्ट्स पैंट्स होने चाहिए ठीक है सम पैंट्स आर नॉट जैकेट पैंट्स का कुछ हिस्सा जैकेट्स नहीं है चलो ठीक है एंड नो जैकेट इज शॉर्ट नो जैकेट इज शॉर्ट ये शर्ट है और ये शॉर्ट है ठीक है तो ऑल पैंट्स बिंग जैकेट इज अ पॉसिबिलिटी सारे पैंट जैकेट के अंदर तो जा नहीं सकते हाँ जा नहीं सकते इज नॉट अ पॉसिबिलिटी है एक सेकेंड नॉट अ पॉसिबिलिटी है सारे पैंट्स जैकेट्स के अंदर जा सकते हैं क्या सारे पैंट जैकेट के अंदर नहीं जा सकते यानी पॉसिबिलिटी गलत हो रही है पॉसिबिलिटी गलत हुई यानी नॉट अ पॉसिबिलिटी क्या होना चाहिए सही होना चाहिए नॉट अ पॉसिबिलिटी पे ध्यान देना है सम शॉर्ट्स आर शर्ट्स सम शॉर्ट्स आर शर्ट्स हो ही नहीं सकता ओनली वन ओनली वन ओनली वन ऑप्शन नंबर फोर ओनली फ्यू आर कोल डायमंड का मीम चल रहा है आजकल बहुत ओनली फ्यू आर कोल some diamonds are coal some diamonds are not coal no coal is wood no coal is wood कोल का एक भी हिस्सा वुड नहीं होना चाहिए सम वुड्स आर डायमंड अरे बाप रे डायमंड 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 दो बार वुड को अलग तरीके से ड्रा करना पड़ेगा ठीक है यहां पर वुड को अलग तरीके से ड्रा कर लेते हैं क्या दिया था नो कोल इज वुड एंड सम वुड्स आर डायमंड तो ये वुड को हम ऐसे नहीं ऐसे भी नहीं कैसे ड्रा करेंगे वुड को हम ड्रा करेंगे कुछ इस तरीके से कोल का एक भी हिस्सा वुड नहीं होना चाहिए एंड वुड का कुछ हिस्सा डायमंड के अंदर होना चाहिए था ऑल आर कोल सारा वुड कोल नहीं है सम आर नॉट वुड डायमंड का कुछ हिस्सा वुड नहीं है डायमंड का जो हिस्सा कोल के अंदर है वो वुड के अंदर नहीं आ पाएगा सही है ऑल वुड्स कैन बी डायमंड सारे वुड्स डायमंड के अंदर जा सकते हैं क्या ये जा सकता है वुड्स का रिलेशन डायमंड के इस पोर्शन के साथ कुछ पता नहीं है जा सकता है टू एंड थ्री किधर है ओके बोथ आई ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज बोथ

सम डायमंडर नॉट वुड डायमंड का ये हिस्सा वुड कभी हो नहीं सकता था चलो ये भी ठीक था ऑल वुड्स कैन बी डायमंड सारे वुड्स डायमंड के अंदर जा तो सकते थे दूसरा एंड तीसरा इसमें ऑप्शन है क्या हमारे पास ओनली सेकेंड एंड थर्ड ठीक है इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं ठीक है ट्वेंटी नाइन अ फ्यू ट्राइंगल्स आर नॉट सर्कल्स फ्यू ट्राइंगल्स आर नॉट सर्कल्स इसका मतलब सम ट्राइंगल्स आर सर्कल्स सम ट्राइंगल्स आर नॉट सर्कल्स होना चाहिए ठीक है ऑल सर्कल्स आर स्क्वेयर सारे सर्कल्स क्या होने चाहिए स्क्वायर्स होने चाहिए ठीक है एंड नो स्क्र इज रेक्टेंगल नो स्क्र इज रेक्टेंगल चलो ठीक है सम रेक्टेंगल आर नॉट ट्राइंगल्स सम रेक्टेंगल सारा रेक्टेंगल ट्राइंगल के अंदर जा सकता है सम नॉट सही हो नहीं सकता फ्यू सर्कल्स आर रेक्टेंगल सर्कल का कुछ ऐसा रेक्टेंगल हो नहीं सकता ठीक है ना इधर लास्ट क्वेश्चन टाइम कितना बचा है वैसे होना okay. होना चाहिए and some subjects are not interesting होना चाहिए. इंटरेस्टिंग इज बोर इंटरेस्टिंग का एक भी हिस्सा बोर नहीं होना चाहिए ठीक है एंड ऑल सब्जेक्ट्स आर गुड सारे सब्जेक्ट क्या होने चाहिए गुड होने चाहिए ठीक है अ फ्यू गुड कैन बी बोर गुड का कुछ हिस्सा बोर हो सकता है सम गुड आर नॉट इंटरेस्टिंग गुड्स का Uh, जो हिस्सा है वो इंटरेस्टिंग है नहीं है ठीक है ओनली वन यहां पर यह सही हो गया पजल पे चलेंगे पहली पजल पे चलो ठीक है यहां से चले जाते हैं पज़ल पज़ल पे इधर है है इस में हमें क्या दिया टेन पीपल आर इन अ रो ऑल ऑफ कितना टेन पीपल ऑल ऑफ दे दस लोग एक लाइन में बैठे एक, एक, क्या हाँ चलिए ठीक है तो यहां पर दस लोग एक लाइन में बैठे एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ठीक है आ, टी सिट्स फोर्थ लेफ्ट टी और एस सिट्स एंड ऑफ रो एस के पहले दूसरे तीसरे चौथे लेफ्ट में टी एस के पहले दूसरे तीसरे चौथे लेफ्ट में टी ठीक है चलो टू पीपल सिट बिटवीन टी एंड आर एक दो छोड़ के आर यहां पर आ सकता है ठीक है या फिर एक दो छोड़ के आर यहां पर आ सकता है इस केस में आर यहां पर आ जाएगा आर uh, एक सेकंड टू पीपल सिट बिटवीन टी आर एंड आर हु सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम आर यहां पे लिया एम का सेकंड लेफ्ट हो नहीं पाएगा आर यहां पर एम का सेकंड लेफ्ट एम यहां पर एम का सेकंड लेफ्ट एम यहां पर एम द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन एम एंड क्यू इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन क्यू एंड यू एम क्यू के बीच में जितने लोग बैठे है उतने ही लोग क्यू और यू के बीच में बैठे है क्यू एम और यू का मिड पॉइंट होना चाहिए था चलो ठीक है यू डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंडस ठीक है एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठता है तो यहां पर कैसा यह हो सकता है यू यहां पे नहीं यू यहां पे, यहाँ पे तो आ नहीं सकता यहां में नहीं आएगा यू यहां पे, पे ठीक है एक बार जरा चेक कर रहा हूं मैं पॉसिबिलिटी यू यहां चलो ठीक है यू Q इसमें फाइनल हो गए यू यहां लिया Q बीच में नहीं आएगा यू यहां लिया Q बीच में नहीं आएगा यू यहां लिया Q बीच में नहीं आएगा यू यहां पर लेना पड़ेगा Q यहां पर लेना पड़ेगा थर्ड टू द राइट ऑफ एन एन के तीसरे राइट में वी बैठता है ठीक है एन का पहला दूसरा तीसरा राइट वी और कई जगह थी क्या नहीं थी इधर एन के तीसरे राइट में भी आ ही नहीं सकता फिलहाल तो सेकेंड केस कैंसल हो गई है ठीक है राइट ऑफ एन ओ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एन ओ एन का पड़ोसी नहीं है आखिरी पर्सन यहां पर बचाए क्वेश्चन प्लीज इन अटन वे पी इज रिलेटेड टू एम टी इज रिलेटेड यू पी एम यू Tu से सो क्यू किससे रिलेटेड है चलो ठीक है पी एम टी यू पी का रिलेशन एम के साथ है पीपीपी आखिरी पर्सन पी का रिलेशन एम के साथ है टी का रिलेशन यू के साथ है यानी तीसरा राइट हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था क्वेश्चन में पूछा था क्यू 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 का पहला दूसरा तीसरा राइट एस है एस इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर फाइव व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग पोजीशन ऑफ वी वी की पोजीशन को रिगार्डिंग क्या सही है अरे क्वेश्चन ऑप्शन V इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ R V इज इमीडिएटली टू द राइट ऑफ R R का नेबर आर एम के राइट में ठीक है R का नेबर right V है M के राइट में चलो M के राइट में तो नहीं है R का नेबर V है V इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ R ये तो सही था ठीक है इमीडिएटली टू द राइट ऑफ एम नहीं था ओनली थ्री पीपल लास्ट सिट टू द राइट ऑफ वी हाँ ये भी सही नहीं है ये ऑप्शन मिल गया में पर पर था था, और और S इसका सही आंसर है वॉट इज द पोजिशन ऑफ ओ with रिस्पेक्ट टू एम 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 यहां पर है ओ की रिस्पेक्ट में तीसरा लेफ्ट है थर्ड टू द लेफ्ट ऑप्शन वन हाउ मेनी पीपल वी एंड क्यू वी एंड क्यू के बीच में कितने लोग हैं किधर है वी एंड क्यू के बीच में दो लोग ठीक है दो लोग यहाँ पर वी एंड क्यू के बीच में है आई गेस हमारा टाइम ठीक है तो एक पजल बची है हमारा टाइम अभी खत्म हो चुका था आपने टाइमर पॉज तो किया था ना <laughs> <दो laughs> चलिए वहां हुए थे तो वैसा हो गया। चलो ठीक है ठीक है ठीक है यस तो अभी क्या करते हैं यस अभी हम इंग्लिश के सेक्शन पे चलते हैं कमेंट्स ठीक है ठीक 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 तो चलिए विभूति चौधरी जी पूछ रही है ये क्या हो रहा है विभूति जी ये रैपिड फायर में क्वेश्चन है। है। आप लोगों को अगर अटेंडेंट के लिए डिटेल में डिस्कशन चाहिए तो सुबह लेक्चर्स होते हैं उसके सुबह दस बजे मैथ्स का लेक्चर होता है ग्यारह बजे इंग्लिश का होता है और बारह बजे रीजनिंग का लेक्चर होता है ठीक है बट आप लोगों की तैयारी सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही है तो इसको यहां पर चेक करने के लिए रैपिड फायर में हम यहां पर रोज शाम के पांच बजे मिलते हैं उसमें क्या करते हो आप लोग भी हमारे साथ साथ क्वेश्चन सोल्व करते हो और चेक करते हो कि आप लोग टाइम के अंदर क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो कि नहीं सोल्व कर सकते हो ठीक है चलिए तो अभी इंग्लिश के सेक्शन पे चले चलते हैं इंग्लिश के सेक्शन पर अभी ठीक है तो इंग्लिश का प्रेजेंटेशन में एक बार जरा यहाँ पर ले लूँ तब तक आदित्य सर तैयार हो जाइए और अपने स्टूडेंट्स को भी बोल दीजिए ओके सो गाइज आई होप सो यू आल आर रेडी काफ़ी जो है तुम लोग मचा रहे हो बढ़िया से तो अच्छा है कुछ डाउट जिसको थे रेवा ने कुछ डाउट पूछा था तो ऐसे में वो डाउट जो है सर बाद में क्लियर कर देंगे कि क्या होना चाहिए ओके okay? तो थोड़ा सा रुको ठीक है चलो जस्ट अ मिनट प्लीज ठीक है चलो सब लोग रेडी हो जाइए तब तक यहां पर क्या कर लेता है ना यहां पर हम कुछ थोड़ा सा सेटअप कर लेते हैं चलो सो आई एम रेडी पेन ये रहा इंग्लिश रेडी है और इंग्लिश का अपना फाइन चलो गई तो फिर सभी लोग रेडी है यस ऑल द बेस्ट थैंक यू सभी लोग और यार सेशन को शेयर कर दो यार मेहनत बहुत लगती है मैं बताऊँ जब सर बोल रहे होते हैं ना देखो एक होता है आप जब एग्जाम रूम में होते हैं आप शांत होते हो पूरा है ना शांत होता है माहौल सब शांत होता है तब फोकस करना एक अलग चीज़ है यहाँ पे भी कर रहे हैं सर बोल भी रहे हैं आपको समझा भी रहे हैं और उसके साथ साथ सॉल्व भी कर रहे हैं उसमें मेहनत भी ज़्यादा लगती है जो एनर्जी है वो भी ज़्यादा लगती है तो यार थोड़े और ज़्यादा लोगों को हर ग्रुप में ज़रा एक बार शेयर कर दो और स्टूडेंट से बोलो कि भाई आ जाओ फटाफट से क्योंकि जो है जंग शुरू हो चुकी है तो ऐसे में उस जंग को कौन जीतेगा या हारेगा वो तो ठीक है देखो हम दोनों की जीत हार तो बात की बात है इतना पता है हम दोनों में से कोई भी जीते या हारे वो बात की बात है बट एक चीज़ पक्का है वो है जीतेंगे कौन आप लोग क्यों क्योंकि हम लोग जो भी कर रहे हैं यहाँ पे वो सब आप ही के लिए रहेगा भाई आप लोग कुछ सीख रहे हो से कुछ अप्रोचेस जान रहे हो कुछ सॉल्व करने का तरीका जान रहे हो कुछ क्वेश्चंस जो आपको आपको शायद नहीं पता पता है है वो भी आपको पता चल रहा है, वो भी भी चल रहा फास्ट फॉरवर्ड मोड में ठीक है तो सर शुरू कर सकते हैं के? पांच तीस हो चुका है आई होप सो शुरू करते हैं तो so, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ एक सेकेंड में यहाँ पे टाइमर चालू कर दू जी चलो ठीक है तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं यस ओके okay, तो पहले ही ये आ चुका है ओके okay, ये तो पैसेज है सर पैसेज में स्किप करना पसंद करता हूँ स्टार्टिंग में तो आगे बढ़ते हैं अरे बाप रे कितने पैसेज ओके okay, ये क्या है ओ वाओ सेकेंडरी अरेंजमेंट दिया है करके देखे क्या चलो बहुत ज़्यादा वैसे नहीं करते तो एक बार अरेंजमेंट च... यह चलिए सर स्किप करिए अभी स्टूडेंट्स को उसी अप्रोच के साथ ले चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है एरर का तकरीबन हम पंद्रह क्वेश्चन स्किप कर चुके हैं पिछले वाले में आते हैं सर यही है ना ओके okay, क्या करना है एरर ही फाइंड आउट करना है एरर फ्री नहीं ढूंढना है एरर ही फाइंड आउट करना है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट इज एन एरर फाइन तो देखते हैं क्या होना चाहिए ऑन तो हियर इट इज हर मॉम टोल्ड हर टू ऑर्गेनाइज हर बुक्स एंड हर क्लोथ्स नीटली ऑन द शेल्फ शेल्फ नहीं होता यार कल भी मैंने एक चीज बताई थी तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो डेफिनेटली क्या होगा शेल्फ है शेल्फ का प्लूरल क्या होता है वहां पे एफ वाले सारे के सारे वी एस में जाते हैं तो शेल्फ बिल्कुल उसी तरह से जाएगा कुछ ज्यादा फर्क नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन एयर स्क्रीन नेक्स्ट क्वेश्चन सर यस मोस्ट ऑफ द क्रीम आर नॉट इन गुड कंडीशन एंड हेंस द मेड हैज गॉन टू द नियर बाय शॉप जहां तक मैं जानता तो हूँ क्रीम एक अनकाउंटेबल नॉन है जिसके साथ प्लुरल नहीं आएगा क्या आना चाहिए सिंगुलर आना चाहिए तो uh, uh, आगे लिखा है मेनी अर डाउट मेनी ओ और एन के साथ नॉन सिंगुलर वो सिंगुलर आता है तो मेनी आ डाउट तो सही है ऑन हिस्ट्री वर्क क्लियर वर्क नहीं होना चाहिए वॉज होना चाहिए मेनी अन जब भी देखने को मिलता है I'm sure many, a, या आन के साथ नॉन सिंगुलर होगा वो बी सिंगुलर होगा इसी तरह का एक और आता है वो आता है मेनी और अ ग्रेट मनी जहां नाउन प्लोरल वह प्लोरो नियरेस्ट वर्ड के अकॉर्डिंग नाउन चूज करो नाउन के अकॉर्डिंग वो नेक्स्ट क्वेश्चन सर तो आई एम श्योर दिस ड्रेस विल लुक मोर बेटर अरे मोर बेटर होता ही नहीं है हमें पता है लुक बेटर होना चाहिए मोर और बेटर कभी डबल कंपेरिजन नॉट अलाउट सुपर फ्लूस नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड सीरीन आपको बता होना चाहिए सीरीन जो है वो अपने आप में काम शांति के लिए होता है मैंने एक बार पहले ही बताया सेरेनिटी मेरी जो सोसाइटी है वो सेरेनिटी नाम है उसका तो सेरेनिटी मतलब कामनेस शांति बिल्कुल मस्त ऐसे केस में हमें क्या चाहिए ढूंढना है अपोजिट अपोजिट ढूंढना है अपोजिट के हिसाब से देखो क्या हो सकता है काम तो वही हो गया पीसफुल भी वही हो गया ट्रांक्विलिटी भी शांति होती है अनट्रबल भी मतलब शांति होगी तभी अनट्रबल रहोगे एंशियस इज द ओनली वर्ड दैट कैन बी द अपोजिट ऑफ दिस वर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन सर

बिजनेस एथिक्स करते हैं क्या लिखा है बिजनेस एथिक्स ओके इज अ फॉर्म ऑफ एप्लाइड एथिक्स और प्रोफेशनल एथिक्स डैश प्रिंसिपल सर ऑप्शन दिखाइए प्लीज तो ये है दैट एग्जामिन एथिकल प्रिंसिपल्स बिजनेस एथिक्स एथिकल हो सकता है सोशल बिल्कुल नहीं एनालिटिकल नहीं बोल रहा हंड्रेड परसेंट श्योर है एथिकल होगा बात वही हो रही है बिजनेस एथिक्स इज अ फॉर्म ऑफ अपलाइडिक्सिक्साम चेयरफुल एनवायरमेंट नहीं बिजनेस की बात हुई है बिजनेस एनवायरमेंट है आंसर बिल्कुल फोर्थ वाला बिजनेस एनवायरमेंट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट देखते हैं थर्ड लिखा है मोस्ट पीपल एग्री दैट हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स डैश बोथ बिजनेस देखो इतना है हाई एथिकल स्टैंडर्ड सब्जेक्ट है वर्ब डू प्लू एस नहीं आना चाहिए ठीक है तो ऐसे के इसमें हाई एथिकल स्टैंडर्ड बोथनेस एंड इंडिव्यूजल टू कंफर्म टू द साउंड मॉरल डैश तो वर्क चाहिए प्लुरल मतलब एस नहीं आना चाहिए इंक्लूड एक दिख रहा है प्रोड्यूस एक दिख रहा है रिक्वायर एक दिख रहा है अब देखना पड़ेगा मोस्ट पीपल एग्री जो हाई एथिकल स्टैंडर्ड है डैश बोथ बिजनेस एंड इंडिव्यूजुअल्स इंक्लूड प्रोड्यूसर क्या हो सकता है यहाँ पे अगर हम देखें मोस्ट पीपल एग्री दैट हाईल स्टैंडर्ड रिक्वायर बोथ बिजनेस एंड इंडिविजल्स टू कन्फर्म आगे ये भी लिखा है ना टू कन्फर्म टू तो रिक्वायर वहां पे सही रहेगा रिक्वायर टू डू समथिंग इस फॉर्म में जाएगा दैट्स रिक्वायर होगा ये ट्रिकी क्वेश्चन है इसमें फंसने की पूरी संभावना हो सकती है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ में क्या लिखा है

प्रॉफिट दैट इज वॉट द आंसर शुड बी इफ प्रोट आगे लिखा भी है इफ़ प्रॉफिट रियलाइज बाई मिसकंडक्ट द लाइफ ऑफ बिजनेस में बी शॉर्ट लिफ्ट ठीक है अगला देखते हैं अच्छा है और है क्या ओके द बिजनेस मज बैलेंस देयर डिजायर फॉर प्रॉफिट्स अगेंस्ट द नीड्स एंड डिजायर ऑफ सोसाइटी मेंटेनिंग दिस बैलेंस कैन बी डिफिकल्ट टू हेल्प विद दिस सोसाइटी हेज डेवलप्ड रूल्स बहुत लीगल एंड इम्प्लीसेड टू गाइड द बिजनेस इन देयर एफर्ट्स टू अर्न डैश इन वेज दैट विल नॉट हार्म अर्न प्रॉफिट ही हो जाएगा प्रॉफिट आंसर होना चाहिए थर्ड आंसर करेक्ट है नेक्स्ट

तो ये सही हो जाएगा ठीक है नहीं तो फिर अभी कबीर सिंह आ जाते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है डायरिया डायरिया अच्छा नहीं क्या करना है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन पिक द रोंगली स्पेल्ट वर्ड डायरिया सही लिखा है भाई रिलेंटलेस सही सही लिखा है सही है जिराफ सही है ये yes, वैक्यूम इसकी गलती बहुत बार होती है बहुत बार दिया भी जाता है क्वेश्चन तो वैक्यूम डबल यू होना चाहिए सिंगल यू नहीं होता डबल सी भी नहीं होता सिंगल सी डबल यू ये स्पेलिंग रहेगी नेक्स्ट ये क्या है रोंगली स्पेल्ड वर्ड होल्ड सही है फोल्ड सही है सही है स्क्रो ओके स्क्रॉल की स्पेलिंग गलत लिखी है स्क्र्ड सही है स्क्रॉल में एस सी आर ओ एल होना चाहिए आर ओ डबल एल होना चाहिए दिस इज व्हाट द करेक्ट स्पेलिंग वुड बी नेक्स्ट तो यहाँ पे अब क्या है यहाँ पे रॉन्गली स्पेल्ड बताना है ठीक है फोर फीट गलत है फोर सी फ्यूचर फॉर्चून क्या सही है फोर फीट में एफ आई ई टी नहीं एफ ई आई टी होना चाहिए फोर फीट यहाँ पे अगर देखे तो दिस इज वॉट द करेक्ट स्पेलिंग शुड बी नेक्स्ट अब इसको कर लेते हैं अपना यह है सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाला लिखा है नेचर एंड ब्रिंग बेनिफिट्स टू पीपल एंड गवर्नमेंट्स इज द बूस्टिंग बिजनेस दैट प्रोटेक्ट बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट द वैल्यू ऑफ कर्जर आराम से सोचा सब्जेक्ट क्या हो सकता है नेचर एंड ड्रिंग नहीं हो सकता बेनिफिट्स टू पीपल एंड गवर्नमेंट इज द नहीं अधूरा है बूस्टिंग बिजनेसेस बूस्टिंग बिजनेसेस दैट प्रोटेक्ट द नहीं दैट प्रोटेक्ट ओके यहाँ बेस्ट वे लिखा हुआ है बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है द चाहिए इसको यहाँ एकमात्र वर्ड लास्ट में दो वही है तो इतना पक्का हो गया कि बी और डी की जोड़ी है और पहला सी लग रहा है बूस्टिंग बिजनेसेस दैट प्रोटेक्ट नेचर एंड ब्रिंग एंड ब्रिंग बेनिफिट्स टू पीपल नहीं लेकिन फिर तो ये गलत हो जाएगा ना बूस्टिंग बिजनेसेस दैट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट क्या करेंगे प्रोटेक्ट बेनिफिट्स टू नहीं प्रोटेक्ट नेचर हो सकता है यही होना चाहिए बूस्टिंग बिजनेस प्रोटेक्ट नेचर तो मतलब सी के बाद ए होना चाहिए ठीक है दैट प्रोटेक्ट नेचर एंड एंड ब्रिंग ब्रिंग टू प्रूव द वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स टू पीपल नहीं टू प्रूव द वैल्यू ऑफ कंजर्वेशन ठीक है ऐसा ही हो जाएगा एंड ब्रिंग बेनिफिट्स टू पीपल एंड गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू प्रूव प्रूव द वैल्यू ऑफ कंजर्वेशन इन अफ्रीका सही है तो सी हो गया ए आया अपना उसके बाद क्या होगा अपना एंड ब्रिंग बेनिफिट्स टू पीपल यही होना था ना कन्फ्यूजन क्यों हो रही है ठीक है एंड ब्रिंग सी ए के बाद अपन लेंगे डी नहीं बी ओके okay. फिर उसके बाद ब्रिंग क्या हो रही है सी ए बी बेनिफिट्स टू द पीपल एंड गवर्नमेंट्स इज द बेस्ट वे ठीक है फिर डी और फिर ई e आ जाएगा सी ए बी डी ई ये होना चाहिए अपने आप में देखे क्वेश्चन यहाँ पे सी ए बी डी ई इधर लिख लो सी ए बी डी ई ओके फाइन तो ऐसे में थर्ड पूछा है थर्ड पहले फर्स्ट ही लगा ले फिर सी सेकंड है क्या ए थर्ड लगा लो बी 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 फोर्थ लगा लो डी और फिफ्थ लगा लो ई e, ये हो जाएगा आंसर टू ऑल द क्वेश्चन टाइम बचाए चलो फिर पैसेज पे चलते हैं यह है तो पैसेज में क्या लिखा है लिखा है द ब्रॉन्स एज इन द इंडियन सब कॉन्टिनें बिगेन अराउंड थ्री थ्री जीरो जीरो अलॉन्ग विथ एंशंट इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया द इंडस वैली रीजन वॉज वन ऑफ द थ्री अर्ली क्रेडल्स ऑफ द सिविलाइजेशन ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड ऑफ द थ्री द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड इट स्पीक ठीक है ये बात कुछ इस पे हुई है इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह पे ब्रॉन्देज वगैरह लिखा है देखते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे अगर देखे तो ये लिखा है पहला क्वेश्चन तो क्या पूछा है यहाँ पे पूछा है मेटलर्जी मेटलर्जी क्या होती है पता ही होगा ये तो वन वर्ड में हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ मेटल्स जो है वो हो हो जाएगा तो आंसर गया खत्म बात नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े नेक्स्ट क्या है सर कोलैप्स कोलैप्स के लिए क्या पूछा पूछा है है फिर से सिमिलर अगर हो जाए तो ऐसे केस में क्या होगा इंटीग्रेशन का मतलब कॉम्बिनेशन होता है कंबाइन होता है तो डिस इंटीग्रेशन हो जाएगा कोलैप्स का सिनोनिमस नेक्स्ट एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव जो वाइड स्प्रेड हो जो ज्यादा दूर दराज तक फैला हो तो एक्सटेंसिव लिमिटेड स्वीपिंग नहीं करना क्या है एंटोनिम बोला है ओके okay. एंटोनिम बोला है जो वाइड स्प्रेड हो तो ऐसे के इसमें लिमिटेड हो जाएगा जो भाई एक जगह तक कन्फाइंड हो ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लिखा है सिविलाइजेशन का क्या है पार्ट ऑफ ये कैसा है वो थ्री पार्ट ऑफ स्पीच क्या है आई वन लगाए सोचना क्या बताया हुआ है मैंने तो नाउन वहां पे आ जाएगा ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे ओके okay, नेक्स्ट अगर देखा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड क्रेडल नॉट सिमिलर टू द मीनिंग क्रेडल ओके क्रेडल मतलब वही पालना जो होता है उसके लिए बोलते हैं या एक बेड हो सकता है बेड के लिए हम बोल सकते हैं तो ऐसे में बेसिनेट ओके देन क्रिब क्या है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सिमिलर तो यहाँ पे क्रिब है कैरी कॉट है सभी चीजें सिमिलर ही है भाई तो ऐसे केस में कोई दिक्कत नहीं नन ऑफ द अबव ही लगेगा यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे क्रेडल क्योंकि सिमिलर नॉट सिमिलर पूछा है सारे उसके सिनोनिमस है तो ये यह आंसर यहाँ पे नन ऑफ द अबव होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन <coughs> पीछे ओके वर नॉट प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट प्रोड्यूस बाय हरप्पन्स कॉपर ब्रॉन्स लीड टिन देखना पड़ेगा चलते हैं वहाँ पे पैसेज में हरप्पन्स कहीं ओके okay, और आगे हरप्पा यहाँ लिखा हुआ है हरप्पन्स डेवलप्ड हाँ देखो ये लिखा है हरप्पन्स डेवलप्ड न्यू टेक्निक्स इन मेटलर्जी एंड हैंडीक्राफ्ट कैर्नियल प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स सील कार्विंग एंड प्रोड्यूस कॉपर ब्रॉन्ज लीड टिन कॉपर ब्रॉन्ज लीड एंड टिन वो है तो ऐसा कि इसमें देखिए सर ऑप्शन क्या है कॉपर ब्रॉन्स लीड टिन दिया हुआ है कॉपर ब्रॉन्ज लीड और टिन

Uh, गैनरी वाला एंड मोहनजोदारो इन मॉडर्न डे पाकिस्तान एंड ढोलावीरा ये ये सब लिखे हुए नाम तो ठीक है अपना आंसर हड़प्पा हो जाएगा जितने लिखे हैं उसके हिसाब से है ना तो यहाँ पे हड़प्पा अपना आंसर सही है नेक्स्ट व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन तो देखते हैं फिर से चलना पड़ेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए फाइव टू मिलियन ये सब ऑप्शन में दिए हैं uh, यहाँ लिखा है क्या नहीं लिखा है नेक्स्ट यहाँ देखो कुछ लिखा है क्या पॉपुलेशन के बारे में नहीं लिखा नेक्स्ट यहाँ पे भी नहीं लिखा क्या ओके okay. और आगे अरे कहीं तो छुप गया फिर पीछे देखना पड़ेगा तो देख लेते क्या है भाई आराम से पढ़ लेते हैं अगर ऐसी बात है तो वॉल द मोस्ट इट स्पीक मे हैवे हाँ ये मे हैव हैड अ पॉपुलेशन ऑफ और फाइव मिलियन चलो फिर क्वेश्चन की तरफ फाइव मिलियन आंसर लग जाएगा तो ये रहा फाइव मिलियन ये आंसर हो जाएगा नेक्स्ट मेन कॉन्टेक्ट डिस्कस्ड इन द पैसेज डेफिनेटली इंडस वैली सेलिब्रेशन तब से पढ़ के आ रहे हैं नेक्स्ट खत्म फाइन मिनट तो ओके okay, फाइन चलो तो अगर देखा जाए काफी लोग मेरे साथ साथ ही आंसर दे रहे थे बढ़िया कोई दिक्कत हो कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग है ना चलिए वैसे एक काम करते हैं सर को आप बोल देते हैं सर कल थोड़े हमें क्वेश्चन डिफिकल्ट चाहिए ठीक है थोड़ा <laughs> और अब लेवल बढ़ाते हैं मतलब अभी क्वेश्चन थोड़े से वैरायटी में लाते हैं तो अच्छा रहेगा क्योंकि अभी मैं भी क्वेश्चन काफ़ी कठिन दे रहा हूँ सर को तो बनता है जमता है ना क्वेश्चन अब बढ़ते हैं तो ज़्यादा मजा आएगा जी सर देखो एग्जामिनेशन में आपको टाइम कितना मिलने वाला है एग्जामिनेशन में आपको टाइम मिलने वाला है ट्वेंटी मिनट्स का ठीक है तो यहाँ पर हम कितना टाइम लेकर चल रहे हैं यहाँ पर हम पंद्रह मिनट का टाइम लेकर चल रहे हैं तो अगर आप देखो प्रैक्टिस करते वक्त भी आपको यही करना है आपको अगर लगता है ना कि एक आध टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया अच्छे से पूरा हो गया है तो आपको क्या करना है आपको उस टॉपिक पर जितने क्वेश्चंस आपको लेने उतने क्वेश्चंस लेने हैं और टाइम उसी हिसाब से रखना है फॉर एक्साम्पल अगर आप प्रिलम्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो प्रिलम्स के क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन के लिए थर्टी सेकेंड्स के आसपास टाइम आपको लेना चाहिए तो बीस क्वेश्चन टाइमर लगाओ तो आप हर बार क्या करो ना फॉर एग्जाम्पल मैं अगर रीजनिंग uh, की बात करता हूं सिलोजिज्म आपने टॉपिक लिया क्योंकि ये क्वेरी हमें बहुत बार आती है कि सर पढ़ तो लिया आता तो सब कुछ है पर टाइम के अंदर सॉल्व नहीं होता तो स्पीड बढ़ाने के लिए खुद को अगर आप टाइम का चैलेंज नहीं दोगे तो स्पीड बढ़ाने के लिए प्रॉब्लम आती रहेगी तो आपको क्या करना है बीस क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है अभी रहे मिनट में क्वेश्चन थोड़ा 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 ज्यादा टाइम टाइम लग रहा है तो आप थोड़ा सा एक्सीड कर सकते हो बट कोशिश करो दस मिनट के अंदर सॉल्व करने की आपको यह रिजल्ट मिल जाएगा जब आपको यह रिजल्ट मिल जाएगा बीस मिनट बीस क्वेश्चन दस मिनट में सॉल्व हो रहा है टाइम थोड़ा सा कम करो आठ मिनट का टाइम करो क्वेश्चन बीस रखो तो टाइम लिमिट्स अपने पुश करते रहो यही तरीका है आपको यहाँ पर स्पीड में इंप्रूवमेंट लाने का ठीक है तो स्पीड में इंप्रूवमेंट लाते वक्त हमें थोड़ी सी कुछ बेसिक चीजों पर भी ध्यान रखना है जिससे हमारी एक्यूरेसी ना हो यस आदित्य सर कुछ जी बिल्कुल अच्छा एक चीज और कहेंगे जैसे कि अभी सर ने एक बहुत अच्छी बात कही मैं उसी में एक चीज और ऐड करना चाहूंगा आपने देखा होगा हम लोग पंद्रह मिनट में तीस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ठीक है जैसे इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में यू नो थर्टी क्वेश्चन ही आते हैं लेकिन टाइम हमें मोस्ट प्रॉब्लली हर एग्जाम में बीस मिलते हैं आगे हम जैसे ही एस बी आई क्लर्क का नोटिस आता है तो डेफिनेटली विल ब्रिंग टू यू सच टाइप ऑफ सेशन फॉर क्लर्क एज वेल और भी मेरे को तो अब एस एस सी के भी स्टूडेंट्स ने किसी ने देखा होगा तो वो कह रहे थे सर एस एस सी के लिए भी ऐसा करवाएं तो बिल्कुल अब हम लोग प्लान कर रहे हैं अगर अच्छा लग रहा है लोगों को उससे जो है कुछ सीखने को मिल रहा है काफ़ी कुछ चैलेंजेस देखो प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि भाई क्या है किस तरह के क्वेश्चन आएंगे कई बार कन्फ्यूजन रहती है प्रेशर में क्या है वो क्वेश्चन था अपना रीअरेंजमेंट का था शायद ईजी बट ऐसा हुआ ना कि पढ़ के शायद भूल गए या वॉट तो इस टाइप की चीज़ें होंगी सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम वो सब होने दो हमारे सामने अगर प्रॉब्लम्स आ रही है हाउ आर वी फेसिंग इट कौन सा क्वेश्चन स्किप किया जा सकता है वो सब भी अभी चीज़ें रहेंगी तो अब जैसे कि मैंने सर को पहले ही बोल दिया है कि क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दे तो अब कल से हमें ये भी पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन स्किप किए जा सकते हैं या कौन से क्वेश्चन हम स्किप मतलब पूरे टाइम के लिए स्किप कर सकते हैं कुछ लास्ट के लिए छोड़ सकते हैं वो सब भी पता चलेगा और साथ ही साथ बीस मिनट मतलब अपने आप में जैसे ही सर ने कहा कि टाइम थोड़ा सा कम लो और कम लो तब आप उस टाइम में एग्जाम प्रेशर को झेलते हुए जो है उस चीज़ को आराम से कर पाओगे उस टाइम में कर पाओगे पाँच मिनट कम रखो कोई दिक्कत नहीं है भले ही टाइम खत्म हो जाने के बाद बचे हुए क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस में रखो मना ही नहीं है बट टाइम में उतना कर जितना हो सकता है उतना ही करो और लेवल अभी ये ऑफिस अटेंडेंट का इसलिए बहुत आसानी से पैसेज में मिल जा रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है आगे एस बी आई क्लर्क है एस बी आई पीओ आएगा तब कैसे करना है वो सब चीजें भी हम आपको बताएंगे ठीक है आप लोगों का साथ रहा तो डेफिनेटली मेंस के लिए भी ऐसे सेशन लाएंगे, भी मेंस में फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा बट उसके लिए well. okay, तो यहाँ पर रीजनिंग को लेकर कोई क्वेरीज आ रही है ठीक है तो रीजनिंग के लिए क्या क्वेरीज आ रही है कि पजल जल्दी नहीं बन पाती तो विभूति जी पजल सॉल्व करने के लिए कंडीशन याद रहना बहुत जरूरी है ठीक है एग्जाम में जो टाइमर का प्रेशर रहता है उस टाइमर के प्रेशर में आप जो पढ़ रहे हो उसको एक ही बार में पढ़कर समझना और पढ़ी हुई चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है जब तक यह नहीं हो पाता तब तक पजल सॉल्व करने के लिए टाइम लगना ही लगना है ठीक है और इनपुट आउटपुट कहाँ से सॉल्व करें तो इनपुट आउटपुट के सेशंस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है आप उनको रेफर कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए आपके पास बुक की वेबसाइट या बुक ऐप है जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस की ठीक है अर्पित सक्से सक्सेना जी कोई इशू नहीं है चलो जिन लोगों को भी टाइम पता नहीं है टाइम नोट डाउन कर लो हर शाम पाँच बजे यहाँ पर मैं और आदित्य सर आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं ताकि आप लोगों की स्पीड और एक्यूरेसी में इम्प्रूवमेंट आ सके ठीक है धीरज यादव जो भी लोग जो भी लोग आज के इस सेशन में लेट हुए हैं टाइम मार्क कर लीजिए इवनिंग पाँच बजे ठीक है और यहाँ पर सेशन अभी तक से, शेयर नहीं किया किसी ने तो सेशन को शेयर कर दीजिए आदित्य सर के चल रहा होगा एक मिनट किसी ने मुझे यहाँ पूछा है कि सर रिक्वायर का वहां पे इंक्लूड क्यों नहीं हुआ बेटा मैंने वही बोला था रिक्वायर समथिंग टू आगे टू डू समथिंग था तो इंक्लूड या और कौन सा आप जो बोल रहे थे वो वहां हो नहीं पाएगा एक इंक्लूड था और एक प्रोड्यूस था प्रोड्यूस समथिंग या समवन टू डू समथिंग नहीं हो सकता रिक्वायर जैसे मैं कहता हूँ ना यू ऑल रिक्वायर अस टू सॉल्व ऑल सोल्व ऑलेशन राइट ऐसा ही तो हो रहा है क्या इधर यू ऑल इंक्लूड अस टू सॉल्व क्वेश्चन ऑन द बोर्ड या यू ऑल क्या एक और था प्रोड्यूस वो भी पॉसिबल है रिक्वायर के साथ हो सकता है कि हम कह रहे हैं कि हम कहें कि द वी रिक्वायर द गवर्नमेंट टू ब्रिंग सम पॉलिसीज फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल तो इस तरह से आप जो भी क्वेश्चन सेंटेंस बनाना चाहो देख सकते हो रिक्वायर में ही टू लगेगा और किसी में लग नहीं पाएगा ठीक है आई होप सर दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरी वन ओके चलो फिर सेशन को यहीं पे सर करें खत्म ठीक है कल और मिलेंगे एक और सेशन के साथ सैटरडे को ये सेशन नहीं हो पाएगा ठीक है लेकिन फ्राइडे तक ये सेशन ज़रूर चलेगा बाकी अगर ए टी सी वाले कोई है तो अभी प्रीवियस ईयर पेपर लेकर भी मैं आ रहा हूँ छः बज के क्या हाँ तो हमें लेना है सेशन एक और तो यहीं पे वाइंड अप करते हैं देट्स इट फ्रॉम आर साइड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग सेशन को लाइक जरूर कर दे अगर लाइक नहीं किया है कॉमेंट सेक्शन हम लोगों को रोज देख के बहुत मजा आता है आज भी कुछ अलग नहीं रहेगा बिल्कुल आप लोगों के कॉमेंट्स हमें जानने सुनने पसंद है कुछ सजेशंस हो डेफिनेटली योर सजेशंस आर वेलकम अगर वो एप्लीकेबल हो सकते हैं या अप्लाई किए जा सकते हैं बिल्कुल करेंगे सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड चलिए तो आज के सेशन में यहीं पे रुकते हैं कंक्लूड करेंगे इस सेशन को आदित्य सर की एक प्यारी सी लाइन के साथ सेशन को शेयर कर देना बिकॉज आफ्टर ऑल शेयरिंग इज केयरिंग चलिए तो मिलते हैं आप सबको कल